ने हमें तेल दिया था और उससे पाकिस्तान काफी हद तक, जब सैंक्शंस लगे हुए थे, पाकिस्तान ने काफी फायदा उठाया। लेकिन पिछले पांच साल में जब हम आसिफ अली जरदारी साहब का दौर देखते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमें यह वाजे तौर पर नजर आया कि हमारा तिल दो के पहले सऊदी अरेबिया की तरफ था, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ एक सर्द मोहरी का रवैया रखा और यही रवैया जो था वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ईरान की तरफ खींच कर ले गया। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आते ही सऊदी अरेबिया में हमारी डेलीगेशंस और फिर उनकी आला सतह की डेलीगेशंस हमने देखी कि पाकिस्तान आई और पाकिस्तान से बातचीत शुरू हुई। लेकिन बातचीत हो क्या रही है? सीरिया में होने वाली वॉर, ये सीरिया में होने वाली जंग एक सिविल वॉर जिसमें के रिबेलियंस और वहां के जो सदर हैं उनके दरमियान और उनकी पार्टी के दरमियान जो जंग लगी पड़ी है उसके अंदर बहुत से फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं, जहां अमेरिका है, जो वहां यूरोपियन यूनियन भी है, उसके साथ साथ ईरान है, रशिया है, दीगर ममालिक भी है। कुछ तो बशर अल असद साहब का साथ दे रहे हैं लेकिन कुछ ये चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए और उसके बाद उनकी इस रिजीम को हटा दिया जाए, दो कि उनकी पार्टी एक माइनॉरिटी पार्टी है लेकिन इससे पहले उनके वालिद भी 30 साल तक रूल कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीरिया में जो होने जा रहा है, क्या सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से वाकई वेपन्स मांगे हैं? क्या पाकिस्तान से एंटी एयरक्राफ्ट मांगी हैं? ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जो गैर मुल्की एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत का शाम के बागियों के लिए पाकिस्तान से असले खरीदने पर गौर किया जा रहा है। सऊदी हुकूमत ने अमन मुजाकरात की नाकामी के बाद शाम के बागियों को जदीद असले के लिए से लेस करने का फैसला किया है। सऊदी वली अहद शहजादा सलमान के दौरे पाकिस्तान के मौके पर इस बारे में बातचीत हुई है। मामला तय पाने पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के तियारा शाहीन मिजाइल और उसके अलावा टैंक शिकन रॉकेट्स खरीदेगा। ये असला उर्दन में जखीरा किया जाएगा और उसके बाद शाम के बागियों को भेजा जाएगा। क्या पाकिस्तान के अपने मसाइल हल हो गए? क्या पाकिस्तान रोशनियों का शहर बन गया? क्या मुल्क बन गया? पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है? ना सिर्फ ये बल्कि चार महीने पहले न्यूज नाइट बीबीसी पे शाया होने वाली एक खबर जो आज फिर इंटरनेशनल सर्कल्स में बड़ी पुरजोश तरीके से उठाई जा रही है और बेहद खतरनाक है, वो ये है कि सऊदी अरेबिया ईरान की न्यूक्लियर डील की वजह से और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और पाकिस्तान से राब्तों में यह भी कहा जा रहा है कि शायद न्यूक्लियर वॉरहेड सऊदी अरेबिया ले। पाकिस्तान के पास ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो सऊदी अरेबिया को दिए जा सकते हैं, जिससे मिडल ईस्ट के खत्ते में एक नई कशीदगी शुरू हो जाएगी। अगर ये रिपोर्ट गलत है, जो कि फिर द गार्डियन, द टेलीग्राफ और दीगर न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस में शाया की, तो इस बात पर फौरी तौर पर इन अखबारात को सू किया जाए। और अगर हम ये गलती दोबारा करने जा रहे हैं तो फिर इस पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पाकिस्तान की जमहूरी गवर्नमेंट को, आवाम को जवाब देना पड़ेगा कि हम कब तक दूसरों की जंगें लड़ते रहेंगे। इसी पर बात करेंगे आज पीपल्स पार्टी, तरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। नाज़रीन वेलकम बैक। हमें जो हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें सईद नवीद कमर साहब ने ज्वाइन किया है, कौमी असेंबली के रुकन है, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी तरह मेजर टाइट ताहिर इकबाल साहब कौमी असेंबली के रुकन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर मेंबर हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कौमी असेंबली के रुकन है और तहरीक इंसाफ के एक सीनियर मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नवीद कमर साहब, आपसे शुरू करूंगी गुफ्तगू का आगाज। ये कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, खुर्शीद शाह ने, आप सब लोगों ने और फिर रजा रब्बानी साहब ने इस इशू की तरफ ध्यान दिलाया और काफी इसके ऊपर एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। तो फिर सरताज अजीज साहब, जैसे आप मुझे अभी बता रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीच दी है लेकिन अब जो मैं खबर पढ़ रही हूं उन्होंने ये डिनाई की है एलिगेशंस। उन्होंने और क्या कहा है असेंबली में जो आप लोगों ने इंक्वायर किया? देखें, इसके कल जो इश्यूज रेज किए गए थे, जो आपने भी अभी रिपीट किए, उसमें प्राइमरीली दो इश्यूज थे। एक तो वो कम्युनिके जो सऊदी प्रिंस सलमान के यहां आने के बाद जो जॉइंट कम्युनिके इश्यू हुआ, उसमें जो इश्यूज चीजें रेज की गई थी,
और दूसरा वो बात कि जो आर्म्स की सप्लाई की बात वहां की गई, जो बात उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई की है वो आर्म्स सप्लाई की है, वो अपनी जगह पे एक अलग इश्यूज पे आते हैं। लेकिन जो बात उन्होंने एक्सेप्ट की और जो कम्युनिके इनफैक्ट इस वक्त मेरे सामने भी है, उसमें दो तीन बातें जो हैं बहुत सिग्निफिकेंट हैं। एक तो ये कि हम जो ये कह रहे हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी विथ फुल एग्जीक्यूटिव पावर्स इनेबलिंग इट टू टेक चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, मतलब हम एक रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं इन फ्रेंडली कंट्री जी। दूसरा हम कह रहे हैं कि लिफ्टिंग सीज ऑफ सीरियन टाउन्स एंड विलेजेस एंड स्टॉपिंग एरियल एंड आर्टिलरी बम्बार्डमेंट, पाकिस्तान जब इस वक्त खुद बम्बार्डमेंट कर रहा है अपनी ही टेरिटरी में मिलिटेंट्स के खिलाफ, तो क्या सीरिया को हम किस मुंह से ये कह सकते हैं कि जी आप जो है अपने मुल्क में अपने मिलिटेंट्स के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो बंद कर दें। मुश्किल ये और भी उसमें दो चार चीजें, बेसिकली इट टेंटरमाउंट्स टू इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ सीरिया, जिसके साथ हमारे जब से पाकिस्तान तकरीबन बना है बहुत दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं, रिगार्डलेस के वहां पे पावर में कौन है और यहां पे पावर में कौन है। ये वाली जो इंटरवेंशन है ये एक अबाउट टर्न है उस पूरी पॉलिसी से। हम जो कि इस वक्त भी भुगत रहे हैं और मुल्कों में इंटरफेयर करने के, अफगानिस्तान में जो 80s में हुआ वो आज दिन तक फर्स्ट अफगान वॉर के जो नतायज हैं वो भी आज तक हम भुगत रहे हैं, सेकेंड अफगान वॉर तो वैसे ही हमारे अभी तक गले में पड़ी हुई है। तो दूसरे मुल्कों में इंटरवीन करना और उसी अनफॉर्चुनेटली वही नेक्सेस है कि यूएस सऊदी जो इंटरेस्ट से उस वक्त भी अफगानिस्तान में, उसकी वजह से ये सारी जंग वहां पे शुरू हुई, पहली भी दूसरी भी, और वही नेक्सेस आज हम देख रहे हैं कि हमें मिडल ईस्ट में एक और मुल्क में वर्बली से ही हमें एक पोजीशन हम लेने जा रहे हैं जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का प्लैंक नहीं रहा। खुदारा हम क्यों नहीं समझते सीखते तारीख से कि हम इन चीजों में अब ना इंटरवीन करें, हम अपने मुल्क को ठीक कर लें उसके बाद हम दुनिया की फिक्र करें। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जैसे सैयद नवीद कमर साहब ने हमें ये बताया, उन्होंने ये कहा कि ज्वाइंट कम्युनिके उनके सामने है, अगर ये दो चीजों की, और एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन जो उन्होंने उठाया है इसी को आगे ले चलते हैं, हम खुद तो मिलिटेंट्स के खिलाफ बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और दूसरे मुल्क को हम कह रहे हैं कि मिलिटेंट्स के अपने खिलाफ अब यानी कि इंटरफेयर हम करने जा रहे हैं। सो बेसिकली सीरिया के साथ अगर हम सऊदी अरेबिया का साथ देना भी चाहते हैं, बीइंग अ गुड फ्रेंडली कंट्री जो हमेशा कहते हैं हमारे रेस्क्यू के लिए आया, हम उनके रेस्क्यू के लिए गए, बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया हमें क्यों इस्तेमाल कर रहा है, हमसे क्यों वो आर्म्स मांग रहा है, क्या वो उनको ये इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान जल रहा है? और दूसरा, क्या कौमी असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स ने सरताज अजीज से ये पूछा कि इस मेहरबानी के अवज पाकिस्तान पर क्या मेहरबानी होगी? देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है, मैं समझता हूं कि रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान का इतना आगे जाना ये खतरनाक है। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि सीरिया के अंदर ये इंस्टिगेशन बाहर से हुआ, यकीनन सीरियन गवर्नमेंट ऐसी जमहूरियत वाली गवर्नमेंट नहीं हुई थी जैसी पाकिस्तान के अंदर है या हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर, मगर डेमोक्रेसी का बहाना लिया जाता है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं इतने छोटे अरसे के बिल्कुल अंदर। अच्छा, इसके अंदर सऊदी हमारे दोस्त हैं, मगर सऊदी पॉलिटिक्स इन द रीजन बड़ी खतरनाक रही है पिछले 15-20 साल से ड्यू टू देयर ओन इंटरेस्ट। आपको ईरान इराक वॉर अगर याद है जो 10-11 साल चली, उसके बाद अभी भी ईरान के हवाले से, मैं मिसाल दे रहा हूं कि ईरान के हवाले से भी इसराइल और सऊदी अरब की पॉलिसी इस पैक्ट के हवाले से तकरीबन बहुत क्लोज थी। सीरिया के अंदर देखिए, सीरिया के अंदर इंटरफेरेंस बाहर से हुआ, सीरिया के अंदर इस बात का इम्कान है कि बशर अल असद की हुकूमत जो है वो अपने कौम के साथ इतनी जमहूरियत पसंद ना हो, मगर बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए था। फुल्ली आर्म किया गया गैस के हवाले से, जो गैस डेथ्स हुई थी उसके अंदर भी इम्प्लीकेशन ये आए कि ये सीरियन गवर्नमेंट की
की शुरू की हुई नहीं थी। अच्छा, फिर उसके साथ साथ आप ये देखिए कि हमें इतना डीप जाने की जरूरत क्या है, यानी हमारी एक नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी रही है सीरिया के हवाले से और एक के हवाले से। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो शिया सुन्नी मुनाफरत रीजन के अंदर फैलाई गई है, इसके अंदर जिन मुमालिक का हाथ है उसके अंदर अगर पाकिस्तान भी एक रोल प्ले करने लगे तो हमारी इंटरनल सिचुएशन पे इसके असरात मुरतब होंगे। और आपको ये भी याद दिला दूं कि जिस दिन ये कम्युनिके जा रहा था, जो वाइब्स ईरानियन गवर्नमेंट को मिली तो वहां से एक स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट ये था कि हम अपनी फौजें अब पाकिस्तान के अंदर भेज सकते हैं। इतना सीवियर और इतना खराब स्टेटमेंट ईरानियन गवर्नमेंट का कभी भी नहीं आया, शाह के जमाने में भी नहीं आया। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे लिए हम मुसीबतें मोल रहे हैं, और मुझे ये भी लगता है कि ये कोई बड़ी डेलिबरेटेड पॉलिसी नहीं है, ये पर्सनल कॉन्टैक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ऑब्लिगेशन की वजह से ये टिल्ट पैदा हो रहा है। तो मुझे तो बहुत ही खतरनाक लग रही है ये बात। He's an elected prime minister. क्या obligations है उनकी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मुरव्वतें सऊदी अरब में रहने के बाद थी, ये वो चीजें काउंट कर रही हैं फाइनली। मैं तो कंसिडर्ड ओपिनियन का मालिक हूं कि जितनी बात आज सरताज अजीज साहब ने कही उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया, यानी कल जो हमारे शुभात थे वो सिर्फ कंफर्म नहीं हुए बल्कि एक कदम और आगे गए। सवाए इसके कि स्मॉल आर्म्स के हवाले से इन्होंने ये कहा कि हम सीरियंस को डायरेक्टली आर्म्स नहीं दे रहे, मुझे कोई पता नहीं कि कुछ इनडायरेक्ट भी काम हो रहा हो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर नाउ। जरूरत नहीं थी इस बात की, क्यों हुआ, पाकिस्तान को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्यों शामिल किया जा रहा है, दैट इज अ डेंजरस प्रेसिडेंट विच वी आर सेटिंग अप। हमारे अपने अंदर के मामलात खराब होंगे जो सऊदी पॉलिसी रीजन में रही है, वो हमारे अपने आप पोलराइजेशन क्रिएट कर रही है। एक मिनट दीजिएगा ताहिर इकबाल साहब, इन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट नहीं, चले ठीक है डायरेक्ट हम आर्म्स नहीं दे रहे, क्या हम इनडायरेक्ट आर्म्स देने जा रहे हैं उन्हें? ये कम्युनिकेट जो हमने निकाला है इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? इन रिटर्न सऊदी अरेबिया क्या मदद कर रहा है? टॉक्स में हमारी मदद कर रहा है, तालिबान से विड्रॉल की बात कर रहा है, हमें तेल दे रहा है, वो हम पे क्या मेहरबानी करेगा कि हम मिडल ईस्ट की रीजनल पॉलिटिक्स में इतना बड़ा टिल्ट लेने जा रहे हैं विच कुड बी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान? देखिए जैस्मीन, बात यह है कि दोनों हजरात मेरे से बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं शायद, और ये जो बात कर रहे हैं, और मैं खुदारा सबसे दरखास्त करूंगा कि हम कह रहे हैं हम सऊदी अरब को हथियार दे रहे हैं, वो आगे सप्लाई करेंगे, किसको सप्लाई करेंगे, रेबल्स को सप्लाई करेंगे या किसको? अगर रेबल्स की हिस्ट्री आप देखें, अभी पिछले 5-10 सालों में अमेरिका कह रहा है जी हमारे 50 लोग हमारे वहां अलकायदा के साथ काम कर रहे हैं। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी है, नॉर्वे कह रहे हैं कि जी हमारे 40-50 लोग वहां काम कर रहे हैं, पता नहीं किस किस ढांग के लोग वहां हैं जो लड़ाई कर रहे हैं। सो उनको शायद हमारे हथियारों की जरूरत भी नहीं है, उनको और दुनिया जहान की एजेंसी से उनको वेपन्स मिल रहे हैं। हम डेफिनेटली हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि शाम एक इस्लामी ममालिक के साथ हम अपने तलकात खराब करें, और ना ही हम करना चाहेंगे, और ना ही हम कभी ऐसे वेपन्स सऊदी अरेबिया के हाथ बेचेंगे जो शाम के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी प्रॉब्लम है, और वो भी अपने प्रोटेक्शन और अपनी सिक्योरिटी के लिए शायद हमसे बात कर रहे हैं। वही वेपन्स अगर वो यूरोप से खरीदते हैं या अमेरिका से खरीदते हैं तो उनकी कीमत 4 गुना ज्यादा होगी। अब जैसे F-17 वो हमसे खरीदना चाह रहे हैं, वही जहाज शायद उनको आधी कीमत में मिल जाएगा अगर वो यूरोप और अमेरिका से खरीदते हैं। और फिर इसमें हमारा भी फायदा है कि आने वाले वक्तों में हमारी जो वेपनरी इंडस्ट्री है, अगर हमने जहाजों को और डेवलप करना है और इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम भी उससे बेनिफिट करेंगे। गवर्नमेंट का बिल्कुल कतन कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम शाम में इंटरफेयर, और ना ही हम करेंगे। ये सब जो कह रहे हैं कि हम इंटरफेयर करने जा रहे हैं, नो हम नहीं करने जा रहे हैं। दुनिया में सारे लोग यही कह रहे हैं कि बशार अल-असद के साथ मिलकर कोई रास्ता निकाला जाए। रशिया सेड ओके, दो बातें आपने कंफर्म की हैं। एक तो आपने ये कहा है कि हम सऊदी अरेबिया को वेपन्स बेचने जा रहे हैं, वो हमसे खरीदना चाहते हैं अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। ओके, क्या हम इस पोजिशन में है? मतलब है वो हमसे इंटरनल से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे वो उनकी नजर है, वो जरा हम पे रहम कर लें। हम तो अपने वेपन्स अपने लोगों के लिए नहीं इस्तेमाल कर पा रहे उनकी सिक्योरिटी में। बहरहाल आप कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, क्या फायदा होगा? दूसरा जो ज्वाइंट कम्युनिके निकाला है आपने, तो जी जी देखिए हमारा जो वेपन फैक्ट्रीज हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड वेपन, दुनिया के मुकाबले के वेपन हैं। और अगर सऊदी अरेबिया ने ये डिसाइड किया है कि हमसे खरीद लें तो इसमें हर्ज क्या है?
वो दुनिया जहां से वेपन, पूरी दुनिया में वेपन बिक रहे हैं। आज भी एक इंफॉर्मेशन है कि इंडिया ने $1.9 बिलियन के जो है वेपन खरीद रहा है अमेरिका से, और अमेरिका से सऊदी अरेबिया हमसे खरीदना चाह रहे हैं। डेफिनेटली मैं ताहिर इकबाल साहब, मैं इस बात पे भी आना चाहूंगा। सर एक सेकंड रुकिएगा, इसका मुझे पहले मुझे इसका जवाब ले लेते हैं। ताहिर नवीद कमर साहब वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक वेपन्स की डील कर रहे हैं, इंटरनली उनको प्रॉब्लम है सऊदी अरेबिया को। यस आई एग्री के है एक एक अंदर उनके ये उनको खतरा है कि जो मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ इंसर्जेंसी वो बढ़ सकती है और उनको अपनी लपेट में ले सकती है। तो क्या हम सिर्फ असला बेचने जा रहे हैं उनको, लाइक एक मुल्क टू मुल्क डील है? उन्होंने कहा वो कहीं भी इस्तेमाल करें, इससे हमें क्या? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो कहीं से कहीं इस्तेमाल करें, ये मैं तो करेंगे ना, वो मैंने कहा उनके अपनी सिक्योरिटी के लिए उनको वेपन चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा जहां मर्जी इस्तेमाल करें। ताहिर साहब एक दफा असला उन्होंने खरीद लिया तो उनकी मर्जी, वो जहां इस्तेमाल करें। उन्होंने आपको थोड़ी अश्योरिटी देनी है फोन करके कि सर हम इसको इधर ले जाएं। नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप हमेशा उनके साथ आप ये बात रख सकते हैं कि ये वेपन जो है आप शाम इस्तेमाल करेंगे। और दुनिया में बहुत जगह इस तरह की डीलें हुई है। ओके चले ठीक है, मान लेते हैं। नवीद साहब डिफेंस मिनिस्टर, आप एग्री करेंगे? पहली चीज तो ये कि ये आई एम नॉट श्योर कि क्या टर्म्स हैं जिस पे ये वेपन्स की खरीदारी की बातचीत चल रही है। लेकिन दुनिया में कोई भी स्पेशली एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन में आर्म सप्लाई इस तरह से आसानी से नहीं करता जब तक कि उसको सारे जो अल्टीमेट जो एंड बेनिफिशियरी है उनका पता ना होता, उसके लिए सेफ गार्ड्स नहीं होते। हम पाकिस्तान भी खरीदता है वेपन्स, तो हमसे भी ये सारी बातें पहले पूछ के, और बल्कि कहीं कहीं बड़े बड़े जो ताकतवर मुल्क हैं वो तो ये भी कहते हैं कि जी आप फलां बॉर्डर पे यूज करेंगे और फलां बॉर्डर पे नहीं यूज करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये तो बड़ा एक कैलस किस्म का एटीट्यूड हुआ ना कि हम कहते हैं कि जी हमारी वेपन इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए दुनिया में कहीं भी हम बेचना चाहें तो ये हमारे लिए बेहतर है। पाकिस्तान की वैसे ही रेपुटेशन एज सप्लायर ऑफ टेररिस्ट टू द वर्ल्ड खराब हो चुकी है। अब सप्लायर ऑफ इरेस्पॉन्सिबल आर्म्स इन द वर्ल्ड जो है उसकी रेपुटेशन तो खुदा रहा हम नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम आर्म्स वाली बात को तो तब पुश करें जब चीजें कंफर्म हो जाएं। लेकिन जितना कुछ हमने किया है, इंटरफेरेंस तो की है ना, हमने एक पॉलिसी शिफ्ट तो की है, हमने एक न्यूट्रल फ्रेंडली कंट्री के खिलाफ एक पोजीशन तो ली है। ऐसे अगर हम नॉन गवर्नमेंटल इशू पे उठाएं तो मैं थोड़ा सा आपकी जो है इतला के लिए ये भी बता दूं कि असेंबली में ये भी इशू उठा था कि private armies are being raised to go and help the Syrian rebels. ठीक है। और सज्जाद अजीज साहब का उस पर रिस्पॉन्स ये था कि वो हो सकता है, वो हो सकता है, नॉट डिनाइड, ही सेड वो हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे हम कोई आर्म्स सीरियन रेबल्स को सप्लाई नहीं कर रहे। दिस वॉज हिज कैटेगोरिक स्टेटमेंट। अच्छा, तो मतलब ये कि कॉन्डोविट तो कोई भी हो सकता है ना, जो कि ये जिस तरह से हमने पूरी की वॉर जो है फर्स्ट एंड सेकंड अफगान वॉर जो देखी है, पर्टिकुलरली फर्स्ट वन, उसमें ये सारी कहानियां आई थी कि कहां से लोग आए, कहां से मुजाहिदीन आए, दुनिया भर से आके, और वो यहां पे अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में स्टेशन हो गए। और फिर जो उन्होंने यहाँ है, इट इज वेरी क्लियर कि हमने एक पोजीशन ली है एक मुल्क के अगेंस्ट, उसकी उसकी उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है हमने उसके से सऊदी अरेबिया के साथ मिलके एक पोजीशन ली है। अब क्या ऑपोजिशन इसको रोकने की कोशिश करेगी, कर सकती है या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक डॉक्टर आरिफ अल्फी साहब, वो आपने उनका मौकिफ सुना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, क्या आप ये समझते हैं उन्हें इन कैमरा ब्रीफिंग देनी चाहिए, हाउस को बताना चाहिए, या कि हमें इसको यही समझे कि ये एक नॉर्मल आर्म्स डील है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई इसके पीछे कोई 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 राज नहीं है?
नहीं, मैं आर्म्स डील से ज्यादा खतरनाक इस बात को समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने अपना जो टिल्ट किया है तो वो उन हाथों में खेल गए हैं जो मुसलमान दुनिया के अंदर शिया सुन्नी फ्रिक्शन बढ़ाया जा रहा है। आप ये देखिए कि लबनान के साथ एक क्राइसिस शुरू हो गया, शाम के अंदर एक क्राइसिस है, तुर्की के अंदर एक क्राइसिस इसी वजह से है, फिर इराक और ईरान के अंदर है, और इसके असरात पाकिस्तान, आप ये जहन में रखिए, एक जजीरे की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी हम अपने अंदरूनी मामलात को हैंडल करेंगे मगर साथ साथ ये बाहर से जो इन्फ्लुएंसेस आएंगे कॉन्फ्लिक्ट के वो हमारे हालात को मजीद खराब करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस बात की जरूरत नहीं थी। देखिए पाकिस्तान ने, आप ये भी जहन में रखिएगा कि शाम के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है और अगर रूस इसके साथ नहीं खड़ा होता तो ये जो फॉरेन सोल्जर्स भेजे गए थे, फॉरेन इन्फ्लक्स था, हथियार दिए गए, सब कुछ दिया गया, तो ये मामला ये डिमोलिश कर चुके होते इस कैफियत को। ये तो रूस ने कोई बैलेंस वहां पे क्रिएट किया ताकि क्राइसिस इस रीजन के अंदर ज्यादा ना बढ़े। इंटरनेशनल कन्वेंशंस के एतबार से जनीवा के अंदर जो बातें तय हुई उससे पाकिस्तान एक कदम आगे गया। ट्रांजिशनल एक अथॉरिटी का जिक्र हुआ तो पाकिस्तान के बयान के अंदर ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का जिक्र है कि ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जल्दी बनाई जाए। अच्छा, ये चीज सीरिया खुद रेजिस्ट कर रहा है, अथॉरिटी की हद तक बात सही थी, तो पाकिस्तान ने वो टिल्ट ले लिया है टुवर्ड्स प्रो अमेरिकन प्रो सऊदी स्टांस जो सीरिया के हवाले से चल रहा है। देखिए मुसलमान दुनिया के साथ बड़ा गंद हुआ, कोई नहीं सीखता, हर जनरेशन नए अंदाज से सीखती है। वियतनाम के बाद हम समझते थे अमेरिका सीख गया, अफगानिस्तान के अंदर घुसा, फिर इराक में हम समझे सीख गया, फिर उसके बाद सीरिया में हम समझते थे कि इतनी जगहों पर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के बाद अब तो सीख जाएंगे, नहीं सीखे। उन्होंने 1.5-2 लाख अफराद मरवा दिए वहां पर। और एक और चीज है जो आप भूलिए मत, वो चीज ये है कि अमेरिका जो है अब ऑयल डिपेंडेंट नहीं रहा, डिस्पाइट ट्रेमेंडस सऊदी प्रेशर कि वो सीरिया के अंदर कुछ करे, अमेरिका ने नहीं किया। क्यों? अमेरिकन पॉलिसी अब मिडल ईस्ट ऑयल से हटकर उनकी अपनी शेल गैस और ऑयल के एतबार से इंडिपेंडेंट होती जा रही है। फायदा क्या है, लीडरशिप कहां जा रही है, अब ये कंट्रोवर्सी बढ़ती चली जा रही है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ उसमें पाकिस्तान का फायदा क्या, हम ऑलरेडी शिया सुन्नी फसाद के नाम पर अभी हाल ही में रावलपिंडी शहर में कर्फ्यू लगा चुके हैं, क्या इसके इंटरनल कोई इंटरनल असरात नहीं होंगे? मैं तो यही कह रहा हूं कि इंटरनल असरात होंगे, हमें तो और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, इन चीजों में घुसना ही नहीं चाहिए। सऊदी अरब हमारा दोस्त है, उसके अपने इंटेंशंस को हम छोड़ दें, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग दोज इंटेंशंस इन दिस प्रोग्राम एटलीस्ट, मगर ये कि हम उसके इंटेंशंस के साथ जब मिल जाते हैं तो मैंने आपको याद दिलाया कि ईरान का रिएक्शन कितना खतरनाक निकला, जो कभी आज तक कोई पड़ोसी मुसलमान मुल्क ने पाकिस्तान के साथ ये बात नहीं कही है, शायद अफगानिस्तान ने कही हो मगर ईरान ने कभी ये रोल प्ले नहीं किया और ना ये बात कही है। हम उस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में वी आर सैक्रिफाइसिंग अवर ओन पोजीशन एंड अवर ओन इंटरेस्ट। ताहिर इकबाल साहब, हम एक मुल्क को खुश करने के लिए कितने ममालिक से दुश्मनी लेंगे? देखिए जैस्मीन, मैं एक बार आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे दोस्त बार बार ये कहते हैं हमने हर मुल्क में जाके कुछ ना कुछ किया, फॉर गॉड सेक वी हैव नॉट डन दीज थिंग्स। एक दो अगर हमने अपने नेबर्स के साथ हमारा झगड़ा चालू कुछ किया, हम अपने पे इल्जाम खुद ब खुद लगा रहे हैं कि हमने हर मुल्क में जाके कुछ ना कुछ किया। अफगानिस्तान में भी उस वक्त सारी कौम ने कहा जी कि पाकिस्तान इन्वेड हो रहा है और ये वार्म वाटर तक रशिया जाना चाहता है, वी हैव टू स्टॉप दैम, इसलिए आप लोगों ने उस वक्त ये एक्शन किया और उसमें लोग इन्वॉल्व हुए, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इसी तरह भी मैं यकीन से कहता हूं हमें भी पता है, हमारे इंटरनल, जैसे आपने भी खुद कहा कि पाकिस्तान के अंदर पहले ही सेक्टेरियनिज्म की जो एक वबा चल पड़ी है और इसमें जो हादसात अभी हो चुके हैं लेटेस्ट, उसके बिना पे तो हमें बिल्कुल कोई ना ही हम गवर्नमेंट चाहेगी कोई इस तरह का हम कोई स्टेप लें कि जिससे हम शाम को नाराज करें या ईरान को। ईरान के साथ हमारे तल्लुकात दोस्ताना है, सऊदी अरब के साथ भी हमारे तल्लुकात बहुत करीबी है और हम चाहेंगे कि हमें सऊदी अरब इस तरह के मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व ना करें। और मैं आपको यकीन के दिला सकता हूं मेरा ख्याल है सऊदी अरब भी खुद शाम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। आपने एक ज्वाइंट कम्युनिके निकाला है उनके साथ मिलकर कि उनका मौकिफ और आपका मौकिफ, ये ज्वाइंट कम्युनिके अगर आप गौर से देखेंगी तो यूएनओ से और कहां से आया पूरी दुनिया में, इन्होंने कहा जी सऊदीया ने बड़ा जोर लगाया अमेरिका को कि वो आके शाम में कुछ करें, लेकिन वो नहीं। आई पर्सनली फील कि रूस और चाइना ने जब अपना पुट दे फुट डाउन, उसके बाद अमेरिका ने भी कहा कि हम नहीं जाना चाहते अंदर, क्योंकि रूस ने बड़ा सीरियसली, अगर आपको याद हो उस वक्त कहा होगा कि हम
मैं बिल्कुल रिएक्ट करेंगे और रूस को हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, यानी कि लेट मी पुट इट दैट स्ट्रेट, मैं कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन एज अ लेमैन मेरी समझ में ये आ रहा है कि वो रशिया जिसे हमने तोड़ने में मदद की, जिसके उज़्बेक, चेचेन, पता नहीं कौन कौन से उनके रिश्तेदार जो है वो हमारे फाटा के इलाके में पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं या दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए जाते हैं, तो रशिया जब अब सीरिया की एक गवर्नमेंट के साथ मिलकर वहां पर कुछ कर रहा है, तो हम फिर कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि वो उसकी जो आउटफॉल है वो इतना ज्यादा हो पाकिस्तान में, एम आई करेक्ट? यही होगा ना? लेकिन आप नहीं, आप रशिया के बयान भी देखें, नहीं सिर्फ ये नहीं, रशिया ये नहीं चाहता, रशिया ने भी शाम को डेफिनेटली कहा है कि आप इस तरह के कोई इकदाम ना करें जिस तरह के आप अपने लोगों को मारें और आप अपने मुल्क की तबाह, रशिया ने डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे, आप उनको कह रही है ट्रांजिशन गवर्नमेंट लेके आए, हम क्यों उनको ये कह रहे हैं भाई? देखे हम ये कह रहे हैं कि भाई अमन अमान से इस मामले का हल निकाला जाए, और पाकिस्तान में तो बड़ा अमन है। अगर मैं आपका एक बात, मुझे ये दुख से कहना पड़ेगा कि आने वाले वक्तों में अगर मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ना की, एक दूसरे के सेक्ट को एक्सेप्ट ना किया, तो खुदा न खास्ता इस पूरे रीजन में ये सेक्टेरियल वॉर मतलब है, ये होगी, और यही प्लान है आने वाले वक्तों में दुनिया में जो आपके खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, काम नहीं करना चाहिए था। आरिफ अलवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात इनकी बड़ी दुरुस्त है कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए, मगर देखो पढ़ने के तरीके कार पे, यही तो हम कह रहे हैं, हमें यही शुबा है कि दूसरे इसको मिस इंटरप्रेट करेंगे। चलिए आपका ख्याल था कि जी हम नहीं पढ़ना चाहते, वी आर वेरी केयरफुल, मगर अगर मैं ये बयान पढ़ता हूँ तो इसमें हमने वही बातें कही हैं, हमने कहा जनाब सीज खत्म करें शहरों की, हमने ये कहा कि जनाब बम्बार्टमेंट खत्म करें शहरों का, हमने ये कहा ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाए, तो हम यही कह रहे हैं जो बात मेजर साहब ने की है मैं पूरा इत्तेफाक करता हूं, मगर वी हैव टू केयर, हमने केयर ही नहीं की, हमने वी हैव गॉन वन स्टेप फॉरवर्ड, इससे ज्यादा खतरनाक मैं समझता हूं कम्युनिकेट नहीं हो सकता था। आपको तो न्यूट्रलिटी शो करनी थी, आपके ख्याल में सऊदी अरब यहां आया था, आपको बायलैटरल रिलेशंस पर कम्युनिकेट देना चाहिए था, ये थर्ड कंट्री के लिए आपने कैसे कम्युनिकेट देना शुरू किया? क्या ये इसका मतलब ये है कि हम जो वॉरहेड्स उनको सप्लाई करने जा रहे हैं या जो हम उनको असला सप्लाई करने जा रहे हैं जो पहले जॉर्डन में पायल अप किया जाएगा, यही बात हुई ना कि हम उसके लिए ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, होमवर्क करें अपने होम सॉइल पर, पहले हम प्रिपेयर करें। सर एक बात बताने चले, ये आरिफ अलवी साहब वाला सवाल बिल्कुल लॉजिकल सवाल है, आप अपने बायलैटरल रिलेशंस को छोड़कर आपने एक कम्युनिकेट निकाला जिसमें एक तीसरे मुल्क का जिक्र है, क्यों? जैसमी देखें, अभी ये सारे कह रहे हैं कि हमें कुछ बताया नहीं, हमारे से किसी ने बात नहीं की, अंदर क्या बात हुई, आप अगर सारी अंदर की बात सामने आई आप लोगों के सामने तो आप उस पर भी एतराज है कि जी उन्होंने ये क्यों बात की है, हमें पता ही नहीं लगा क्या बात, दे हैव पुट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, और ये बात नेशनल असेंबली भी में आई है, आज भी डिस्कशन हुई है और शायद आंदा भी कुछ दिनों में ये डिस्कशन जारी रहेगी, द मेंबर्स हैव द राइट टू स्पीक ओवर देयर कि जी ये मामला इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट कैन लुक इन टू इट कि अगर इस सिर्फ हम जो बात करेंगे, हमने भाई बेसिकली तो डायलॉग जो आपस में हुआ है बात तो वो सामने आई है, या तो वो हम कहें कि अंदर छुप के कोई बातें होती नहीं है इस मामले सारे के बारे में और वो सामने नहीं आई और उसके बावजूद मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या सेनेट के हम पे एतराज करें कि जी आपने अंदर छुप के पता नहीं क्या क्या डील कर लिया और हमें पता ही नहीं है, इससे बेहतर था कि ये चीज सामने आई और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट नाउ कैन डिस्कस और सामने लेके आए बात के क्या फाइनल बात करनी चाहिए हमें और किस तरह आगे चलना है, और मैं फिर आपको यकीन से कह रहा हूं कि हम जो सऊदी अरब के साथ मुलाकात है हम बाहर रखना चाहते हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का असला दूसरे मुल्कों में जाकर खिलाफ हो। सर हम तो लोगों को न्यूक्लियर वेपन भी देने नहीं चाहते थे लेकिन दिए ना हमने, सैंक्शंस बर्दाश्त की ना हमने, हमने वेपन नहीं दिया, किसको दिए? किसको न्यूक्लियर वेपन दिए? ये तो अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा जवाब दे दूं। जी 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 नवीद कमर साहब प्लीज। देखिए पहली चीज तो ये कि मेरे साहब माजरत के साथ हम इतराज ही उसी पे कर रहे हैं जो हमने फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट किया है, ये तो प्राइमरी इशू है ना, सेकेंडरी इश्यूज हैं कि उसके बाद पर्दे के पीछे क्या हुआ, लेकिन जो सामने आपने पब्लिक पोजीशन दी है जो कि आज यहां कम्युनिके में आई है और फिर आप सारी दुनिया में इसमें पाकिस्तान क्लियरली एक साइड पे आके खड़ा हो जाएगा, एक
سعودی عربیہ اور دوسرے ایسے ممالک جو کہ سیریا کی ریجیم چینج کرنا چاہتے ہیں جو وہاں پہ کلیئرلی ٹلٹ لے رہے ہیں ریبلز کے سائڈ میں, ہم بھی اسی سخت میں آج کھڑے ہو گئے نا. تو ہم تو اسی بھی بات کو تو کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم وہاں پوزیشنز لیں یا ہم وہ سائٹس لیں یا ہم جو ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتی ہے اس کو چینج کرنے کی ہم یہاں بیٹھ کے بات کریں. یہ ریجنل چودراہٹ ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے, پہلے بھی مہنگی پڑی ہے اور آئندہ بھی پڑے گی. اور اب پہلے تو ہم انیبروڈ میں کرتے تھے, اب ہم دور جا کے بھی جو ہے میسائل فائر کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, نہ ہی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. جہاں تک پرولیفریشن کا تعلق ہے, پرولیفریشن انفارچونیٹلی ہمارا ملک اس پہ بھی بدنام ہو چکا ہے. جو بھی چینلز اس کے لیے یوز ہوئے ہوں وہ اپنی جگہ پہ, ہم یہ نہیں ڈینائی کر سکتے. پاکستان از ان اے ویری ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن, ہم انٹرنیشنل آئسولیشن میں کافی ایشوز پہ ہیں کیونکہ ہم اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں بھی ہمارے یہاں سے ہوئی ہیں. تو لیٹ اس بی ویری کیئرفل, کیوں ہم نے کمیٹی آف نیشنز میں دوبارہ سے جانا ہے, ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, ٹریڈ کو ٹھیک کرنا ہے. وہ ان طریقوں سے, ان باتوں سے, ان چیزوں سے نہیں ہوگا, بلکہ ہم اپنے ہاؤس ان آرڈر کو پہ دھیان دیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ہم یہ کام بالکل ہی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور یہ نہ صرف ہم یہاں ریز کر رہے ہیں, ہر فورم پہ کریں گے کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, لیٹس ناٹ ڈو دس. لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے ایک کمیونیکے نکالا, ٹھیک ہے اب ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. پرولیفریشن کی ہماری ہسٹری رہی ہے اینڈ ہم نے اس کے ریزلٹس بھی بھگتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک پوزیشن لے بھی لیتے ہیں, اس سے پاکستان کو گورنمنٹ کی نظر میں فائدہ کیا ہے؟ خالی آرمز بیچنے کی میں بات نہیں کر رہی, اس پوزیشن لینے پہ, یہ جو ہم نے ایک مڈل ایسٹ میں ریجنل پوزیشن لی ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ایکسپلین کریں نا. ڈیفینیٹلی دیکھیں جیسمین, بات یہ ہے کہ ہم سارے کہہ رہے ہیں ہم نے ہتھیار بیچ دیے, ہم نے پروفیشن کر دی. مجھے بتائیں دنیا کی کون سی مہذب قومیں ہیں جنہوں نے ہتھیار نہیں بیچے, اور ہر قسم کے ہتھیار بیچے ہیں انہوں نے. آپ نیم اینی کنٹری ان دی ورلڈ, جو موسٹ ڈیولپڈ نیشنز جو اپنے آپ کے ہیومن رائٹس کے چیمپئن سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ دنیا پہ ان کا کنٹرول ہونا, پوری دنیا میں ہتھیار بیچتے ہیں وہ اور ہر جگہ جاتے ہیں ہتھیار. ہم نے اگر ہتھیار دیے اپنے کے دوست ملک کو تو اس پہ, اور وہ بھی وہ آپ غور کریں گے تو انہوں نے کہا ہمیں اپنی سیکورٹی کے لیے چاہیے, تو ہمیں